व्हाट्सअप गेमर्स, क्या हाल चाल है। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सिटीज स्काईलाइंस में। सो लास्ट वीडियो में आपको पता होगा कि हमने जो है यहाँ पर एक खूबसूरत सा जो है स्पोर्ट स्टेडियम बना दिया है, जहाँ पर ना बहुत सारे जो है मैचेस होने वाले हैं। अभी ना ये आपको फुटबॉल का स्टेडियम दिख रहा है, बट यहाँ पर ना मैं क्रिकेट के मैचेस भी कराने वाला हूँ। बीच में एक छोटी सी पिच बना देंगे एंड क्रिकेट खिला लेंगे, क्या ही है उसमें। सो सारे स्पोर्टिंग इवेंट्स यहाँ पर होने वाले हैं। सो ये ना काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त स्टेडियम है एंड अभी ना जो है लोग काफ़ी ज़्यादा आने वाले हैं यहाँ पर। आप लोगों ने बोला था कि यहाँ पर मेरे को पार्किंग भी बनानी चाहिए। सो पार्किंग मैं कैसे बना सकता हूँ, मेरे को कोई आइडिया नहीं है अभी के लिए। एंड मैंने ना जो है सारे यहाँ पर जो है देखे थी चीज़ें, बट मेरे को पार्किंग कहीं नहीं दिखी यार। या तो शायद से मैं रोड वगैरह बना दूँ, आसपास लोग जो है पार्क कर दे गाड़ियों को। सो नो आइडिया, तो आप लोग बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाके यार हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर। एंड यहाँ पर ना मैंने जो है हाई डेंसिटी कमर्शियल जोन बना दिया था। एंड यहाँ पर ये देखो भाई, मॉल्स वगैरह ओपन हो चुके हैं हाँ स्टेडियम के जस्ट सामने की तरफ। एंड अभी हमारी सिटी जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है। अगर आप देखो तो हमारी पॉपुलेशन हो चुकी है 20,661। एंड अभी ना मैंने गेम पोस्ट कर रखा है, उसका भी एक रीज़न है, अभी बताता हूँ मैं आपको। एंड हमारे पास जो है 1 मिलियन यूरोज हो चुके हैं, 10,28,000। सो काफ़ी ज़्यादा पैसे हो चुके हैं हमारे पास, पैसे हमने छाप लिए। बट यहाँ पर ना कुछ दिक्कतें आ रही है लोगों को, तो लोगों को ना मेन दिक्कत आ रही है यहाँ पर गार्बेज की। तो गार्बेज की दिक्कत ना सोल्व करने के लिए ना जो है मैंने ना एक सॉल्यूशन निकाल लिया है। हमें क्या करना है, हमें ना रिवेन्यू सेक्शन में जाना है इकोनॉमी में। एंड वहाँ पर जो है अगर हम बजट में जाते हैं तो मेरे को ना इसका बजट बढ़ाना है बस गार्बेज का। जैसे ही हम बजट बढ़ाएंगे ज़्यादा ट्रक्स आने लग जाएंगे एंड बहुत जल्दी जो है गार्बेज कवर हो जाएगा। उसके अलावा मैंने एक काम और किया था, मैं बता देता हूँ आपको। सो मैंने जो है टैक्सेस, अगर आप देखो ना तो लो डेंसिटी कमर्शियल जोन में 9% रखा हुआ है, हाई डेंसिटी जो है कमर्शियल नहीं सॉरी रेजिडेंशियल जोन, हाई डेंसिटी वाले में 10% है। ओके कमर्शियल जोन की अगर बात करें तो लो डेंसिटी वाले में 10% है एंड हाई वाले में 11% है। तो ये ना थोड़ा सा मेरे को रीजनेबल लगा था, तो इस तरह से मैंने रखा है ताकि लोग भी नाराज ना हो एंड हमें जो है प्रॉफिट भी होता रहे। एंड उसके अलावा अगर आप देखो तो इंडस्ट्रियल्स का मैंने जो है 13% रखा है इंडस्ट्रियल जोन्स का। एंड ऑफिसेज का मैंने एक बार 12 किया था, तो लोगों को थोड़ा सा ना बुरा लग रहा था कि यार टैक्स काफ़ी ज़्यादा है, तो एक बार मैंने कम कर दिया इसको। एंड आई थिंक दैट्स गुड, जितना भी हमने चीज़ें की है ना काफ़ी सही है। एंड यहाँ पर ना अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का देखो तो इनकम हमारी जो है 175 यूरो हुई है एंड एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, तो प्रॉफिट थोड़ा सा कम हो रहा है यहाँ पर बसेज में। सो ये मेरे को देखना है, लोन वैसे मैंने कभी भी नहीं लिया है। सो गार्बेज का मेरे हिसाब से काम हो जाएगा। उसके अलावा मैंने ना एक काम करते हैं, इसको ना एक बार स्टार्ट करते हैं एंड फास्ट करते हैं इसको, ताकि ना फास्ट चलती रही चीज़ें सारी। गार्बेज कवर हो जाएगा, मतलब उसकी रेट्स बढ़ा दी हमने, बजट बढ़ा दिया उसका। तो मैंने यहाँ पर ना थोड़ी सी जो है लैंडफिल साइट्स बना दी हैं, काफ़ी ज़्यादा हो गई अगर आप सिटी के चारों तरफ देखो तो। सो यहाँ पर ये होगी। एंड उसके अलावा मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर बना दिए बहुत सारे ये वाले इनको क्या बोलते हैं भाई, इंसिनरेशन प्लांट। तो ये ना क्या करते हैं, गार्बेज को जो है डिस्ट्रॉय कर देते हैं, मतलब उनको जो है रिसाइकल कर लेते हैं एंड उसको जो है इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। सो ये ना मैंने यहाँ पर 6 लगा दिए अभी के लिए, ये सारी चीज़ें भी हमने बना दी है। बट यहाँ पर ना एक चीज़ हो रही है सीमेंट्री के बाद, जो कि है एक सेकेंड, ये मैंने बनाया हुआ है क्या, क्रेमेटोरियम। सो इसकी बात करें ना, ये जो है हमें थर्मल एनर्जी दे सकता है एंड जगह भी जो है थोड़ी सी बचाएगा, तो यहाँ पर इसका काम आ सकता है। डिपार्टेड ओके सीमेंट्री के लिए थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाएगा, तो इसको एक काम करते हैं सीमेंट्री के जस्ट सामने की तरफ ही लगा देते हैं इसको यहाँ पर, ठीक है। 25,000 इसकी कॉस्ट थी, बट ये ना काम तो आने वाला है। सो यहाँ पर जो है ठीक है, इंक्रीज द बॉडीज ऑफ डिक्रीज सिटीजन, ठीक है। यहाँ पर ना जो है स्टोर कर सकते हैं, उसके बाद सारी चीज़ें सही हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। देखते हैं ये कैसे प्रोसेस करता है, कोई आइडिया नहीं है अभी तक तो मेरे को। एंड ये जो है सीमेंट्री है जहाँ पर मरे हुए लोग रहते हैं, रहते नहीं है मतलब उनको गाड़ दिया जाता है यहाँ पर। गार्बेज की वाली प्रॉब्लम तो सोल्व हो गई, सिटी हमारी काफ़ी बड़ी हो गई। एंड आज मैं क्या करने वाला हूँ, अभी मैं जो है यहाँ पर इस आइलैंड पर कुछ बिल्ड करने वाला हूँ एंड वो बिल्ड होने वाला है एकदम हाई लेवल का। यहाँ पर जितनी भी चीज़ें बनेगी ना सारी हाई लेवल की बनेगी, बट एक दिक्कत है, अगर आप यहाँ पे देखो ना तो ये बिल्डिंग्स काफ़ी ग्रो हुई हैं, काफ़ी बड़ी हो गई है, बट यहाँ पे हाई डेंसिटी जोन्स में इतनी बड़ी नहीं हुई है बिल्डिंग। एंड यहाँ पर आग भी लग गई है, सो पहुँच तो जाएगी ना फायर ब्रिगेड। वेट, फायर ब्रिगेड कहाँ है भाई, आई थिंक पहुँच जानी चाहिए, मेरे को ऐसा लग रहा है नहीं पहुँचेगी यार, यहाँ पर भी होनी चाहिए एक फायर ब्रिगेड की। सो ये ना पूरा एरिया कवर करें,
एंड आई थिंक ये पूरा एरिया कवर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये हो जाएगा काम। एंड अभी ना मेरे को क्या करना है, यहाँ पे जो पार्क वाली जगह है ना, यहाँ पे ना मेरे को कुछ और बनाना पड़ेगा। इनसे तो कोई मतलब वाली बात नहीं है। रिलोकेट नहीं, मेरे को इसको हटाना ही है यहाँ से। सो एक सेकेंड, वेट, मेरे को कुछ करना पड़ेगा इसका। यहाँ पे मैंने सीमेंट्री बना रखी है बिल्कुल बीच में भाई, मैंने बिल्कुल बीच में सीमेंट्री बना दी सिटी के अंदर। बट और ज़्यादा ऑप्शन है नहीं हमारे पास। वेट, मेरे को देखना पड़ेगा एक बार। हाँ, मेरे को ना इसको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, इस वाली सीमेंट्री को। सो बिल्डिंग इज़ नॉट एम्प्टी। ओके, पहले ना इसको जो है एम्प्टी करना पड़ेगा, उसके बाद जो है खाली हो जाएगी यहाँ से। अभी ना मेरे को एक काम करना है, यहाँ पर ये जो पार्क बना रखा है ना मैंने, इसको मेरे को जो है यहाँ से हटाना है। एंड यहाँ पर ना मेरे को कुछ ढंग की चीज़ बनानी है। पार्क्स एंड प्लाजा पे चलते हैं, ऐसी चीज़ जहाँ पे जिससे जो है यहाँ पर जगह की वैल्यू बढ़े। तो यहाँ पर हम बनाने वाले हैं एक सी बॉटनिकल गार्डन। कहाँ गया? इट रेज सराउंडिंग लैंड वैल्यू। ठीक है, सो यहाँ पर ना मैं बॉटनिकल गार्डन बनाने वाला हूँ, जो कि कॉस्ट हो भाई यहाँ पर तो ये बिल्डिंग्स वगैरह चली जाएंगी यार यहाँ पर अगर मैंने बनाया तो। बट और कोई ज़्यादा ऑप्शन है नहीं मेरे पास। अच्छा लगेगा यार यहाँ पर अगर हमने बना दिया इसको तो, इट विल डू गुड यार। यहाँ पे लोग, ठीक है यहाँ पे बना देते हैं इसको। बहुत ज़्यादा लोग खुश हुए हैं, बट बहुत को यहाँ पर गुस्सा भी आया है। बट ये ना बहुत ज़्यादा प्यारा होने वाला है। यहाँ से इसको देखो, ओ बहुत सही यार। सो ये ना सराउंडिंग लैंड वैल्यू बढ़ने वाली है यहाँ पे भाई, पैसे बढ़ने वाले हैं। एंड ये देखो बिल्डिंग भी बड़ी हो रही है यहाँ पे धीरे धीरे। और क्या बना सकते हैं हम ढंग की चीज़ जो कि ना लैंड वैल्यू को बढ़ाए कम से कम? डॉग पार्क, ओके, रेज लैंड वैल्यू। एंड यहाँ पर डॉग पार्क के लिए जगह है क्या? लग नहीं रहा है मेरे को। सो यहाँ पर एक काम कर सकते हैं हम, ये सीमेंट्री मेरे को हटानी है, उसके अलावा ये वाला पार्क भी हटा सकते हैं हम। वेट, ये पार्क ही है ना? हाँ पार्क ही है, इसकी ज़रूरत नहीं है मेरे को। सो ये है स्मॉल पार्क। एंड इससे भी कोई वैल्यू बढ़ती है क्या? वेट देखते हैं एक बार, अगर बढ़ती हो तो अच्छी बात है। हाँ नहीं, कोई मतलब नहीं है इसका ज़्यादा। हाँ रिलैक्स एंड एन्जॉय थ्रू द पार्क, इसका भी कोई ज़्यादा नहीं। मेरे को ना एक डॉग पार्क बनाना था यहाँ पे, ये वाला। सो पहले ना मेरे को इसको हटाना पड़ेगा यहाँ से। एंड आई एम सॉरी। सो यहाँ पर ना मेरे को जो है डॉग पार्क बनाना है, जो कि बनने वाला है एकदम कॉर्नर पर। एंड लोग खुश तो होंगे ही। उसके अलावा क्या बना सकते हैं हम? कैरोसोल पार्क, ये बनाना है मेरे को, जो कि यहाँ पर तो नहीं बनने वाला है। हाँ जगह थोड़ी सी कम पड़ रही है, यहाँ पे बनाना पड़ेगा मेरे को। बट नहीं यार, ये तो सिटी भाई, मेरी बिल्डिंग को नहीं तोड़ना है मेरे को, एक तोड़ दी वही बहुत है। जैपनीज गार्डन, हाँ ये बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है भाई, काफ़ी गार्डन बना दिए मैंने यहाँ पे। सो एक गार्डन यहाँ पे बन गया है। एक और मेरे को क्या बनाना है? कोई छोटा मोटा हो तो बना सकते हैं हम। ट्रॉपिकल गार्डन है यहाँ पर, और है यहाँ पर फिशिंग आइलैंड। नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है फिशिंग आइलैंड का। ट्रॉपिकल गार्डन के लिए यहाँ पर जगह नहीं है। और क्या है? ठीक है, सो यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं, इसको ना हाई डेंसिटी रेजिडेंशियल जोन बना देते हैं। बाकी सब तो ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई थिंक सब कुछ सही चल रहा है, आई थिंक दैट्स ऑल राइट। एंड अभी ना मेरे को जो है फटाफट से न्यू जगह बनानी है, ताकि ना जो है थोड़ी सी पॉपुलेशन बढ़े हमारी, एंड कम से कम जो है बिग सिटी बन जाए अभी हम। ओके, कैपिटल सिटी बनना है हमें। इंडस्ट्री में अभी हमें ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है वैसे मेरे हिसाब से। बट मैं एक काम करता हूँ, थोड़ी सी ना इंडस्ट्री को और फैला देते हैं, ताकि ना इंडस्ट्री बनती रहे एंड हमें जो है ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आए। 4 लेन रोड आगे तक ले लेते हैं हम। ओके, तो ये बना दिया है मैंने पूरा इंडस्ट्री का एरिया। एंड यहाँ पर ना थोड़ा सा पूरा एकदम फुल है, तो यहाँ पर ना मैं फटाफट से जो है इंडस्ट्रीज़ के लिए जो है मार्क कर देता हूँ इस एरिया को, ताकि ना यहाँ पर जो है इंडस्ट्रीज वगैरह बनना स्टार्ट हो जाए। एंड लोग, वैसे काफ़ी ज़्यादा लोग हो चुके हैं हमारे पास, तो अब लोगों को ना काम भी तो मिलना चाहिए। उसके अलावा अब थोड़ी बहुत तो पॉपुलेशन और बढ़ने वाली है जैसे हम ना अपने आइलैंड को थोड़ा सा फैलाएंगे। सो पहले तो मेरे को ये काम करना है, यहाँ से यहाँ तक, एंड इसको यहाँ से यहाँ तक पूरा कनेक्ट कर लेते हैं एक बार के लिए। आई थिंक दैट्स इट। एंड ये और एरिया बचा हुआ है ना, इसको भी कनेक्ट कर ही लेते हैं हम। पूरी इंडस्ट्री हो गई यहाँ पर, बस पानी वाली थोड़ी सी दिक्कत आएगी, तो वो हम देख लेंगे। उसके अलावा ये जो एरिया बचा हुआ है ना, हमारे पास पैसे वैसे काफ़ी ज़्यादा है अभी के लिए, तो यहाँ पर ना मैं ये जो है गार्बेज प्रोसेस वाले जो है ना, इनको लगाने वाला हूँ, ताकि ना यहाँ पर जो है गार्बेज वाली दिक्कत बिल्कुल भी ना आए।
एंड ये हो गया कनेक्ट यहाँ पे, एंड दूसरा हो गया यहाँ पे, ठीक है। सो ये पूरा एरिया जो है यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है। अब मेरे को ना यहाँ पर पानी की सप्लाई देनी है, जो कि ना मैं फटाफट से कनेक्ट कर लेता हूँ एक बार, एंड देन जो है हम आगे का काम करते हैं। ओके, तो हमारी इंडस्ट्री यहाँ पर वर्क करना स्टार्ट हो गई है। पानी का यहाँ पर जो है मैंने प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है, पूरी यहाँ पर जो है पाइपलाइन वगैरह बिछा दी है। बट यहाँ पर ना एक दिक्कत आ रही है इलेक्ट्रिसिटी वाली। सो यहाँ पर थोड़ी से ना यहाँ पर अगर जो है बिल्डिंग्स और बनेगी तो ये कनेक्ट हो जाएगी। ओके, कनेक्ट हो चुकी है, यहाँ से ये जो है बिजली की लाइन कनेक्ट हो गई है, एंड सबको जो है सबको कनेक्शन मिल गया, सबके घर में जो है मीटर लग गए, सबके ऑफिसेज में, सबके जो है यहाँ पर कंपनीज में, चारों तरफ बिजली पहुंच चुकी है। क्रॉस रोड्स यहाँ पर मैंने थोड़ी सी क्लोज लगा रखी है, बट स्टिल दैट्स गुड, सब अच्छे से वर्क कर रहा है, अभी तक मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। इसको ना मेरे को जो है ठीक करना है, बट ठीक है अभी के लिए जो चल रहा है जैसा चल रहा है सब कुछ सही है भाई, जो चलने दो यार जो चल रहा है वो। यहाँ पर अभी मेरे को क्या करना है, मेरे को ना यहाँ से जो है 6 लेन कनेक्ट करवानी है, तो 6 लेन के लिए मेरे को जाना पड़ेगा रोड्स पे, एंड वहाँ से जो है 6 लेन रोड, ठीक है, इसको मेरे को कनेक्ट करवाना है थोड़ा सा ना एकदम स्ट्रेट लाइन में। तिरछा नहीं ला सकते क्या इसको यहाँ से? ठीक है यार सीधे ही आ रहा है, बट ठीक है जितना भी आ रहा है अच्छा है मेरे हिसाब से। हाँ, इसको ना हम एकदम स्ट्रेट ले लेते हैं यहाँ से 180 डिग्री, एंड यहाँ से हम जो है डाइवर्ट कर सकते हैं इसको। ऑलराइट, तो ये बन गई हमारी। एक और यहाँ पर ब्रिज हो चुका है कनेक्ट हमारे एक आइलैंड से, सो ये भी हो गया। यहाँ से सीधी जैसी गाड़ी आएंगी सीधी यहाँ से निकल जाएगी इस वाली जगह पे, एंड यहाँ पर ना मेरे को एक सिटी बनानी है, बट वो ना थोड़ी सी प्लान करके बनानी है मेरे को। सो ये ना थोड़ा सा ना मेरे को सोच समझ के काम करना पड़ेगा। अरे यार ये तो मैंने बना दिया था ना, कोरोसल पार्क है यहाँ पर, ठीक है इसको लगाने का ट्राई करते हैं, यहाँ पर बना देते हैं इसको यहाँ पर, ठीक है। अभी लोग खुश हुए हैं आसपास के, एंड ये ना ये वाला एरिया कनेक्ट करता है पूरा, अगर यहाँ पे बनाते बीच में तो ज़्यादा अच्छा था ये, बट चलो अब जो भी है। यहाँ पे हो गया ये शिफ्ट, एंड बिजली की तो कोई दिक्कत नहीं है, लाइंस की ज़रूरत भी नहीं है हमें यहाँ पे, ठीक है यहाँ पे ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी। हाँ नहीं यार पूरा कनेक्ट है वैसे, सो आई थिंक दैट्स इट। लोग यहाँ पर खुशी रहने वाले हैं, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहाँ पर हम एक काम और कर सकते हैं, लैंड वैल्यू यहाँ की भी बढ़ा सकते हैं हम, इसके लिए हमें ना थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा, बट नहीं रहने देते हैं इसको। ये 100% फुल हो गया, इसको ना थोड़ा सा एम्प्टी करते हैं। ओके, तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर ना काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है, तो यहाँ पर मैं एक काम करने वाला हूँ, पहले ना मेरे को जो है ये ट्रक ये जगह तोड़नी पड़ेगी। ट्रकें तो यहाँ से निकल जाएगी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अभी ना मेरे को एक काम करना है, रोड्स पर चलते हैं, टोल बूथ पर चलते हैं, एंड वन वे नहीं यार, यहाँ पर मेरे को 2-वे टोल बूथ चाहिए, एंड इसको मैं लगाने वाला हूँ हाँ यहाँ पर। भाई ये घूम क्यों नहीं रहा है, घूम जाना भाई। हाँ यहाँ पे चाहिए मेरे को। ओके, मेरे को थोड़ा सा और तोड़ना पड़ेगा यहाँ पे। हाँ इसको भी तोड़ देते हैं, एंड अभी ना जो है हम यहाँ पर टोल बूथ बना सकते हैं। दैट्स इट, सो यहाँ पर हो गया है 2-वे टोल बूथ, एंड बाकी की जगह पे हम 4 लेन बना देते हैं फटाफट से। ऑलराइट, तो ये हो गया यहाँ पर 4 लेन का काम, एंड गाड़ियाँ भाई रुक गई है एक बार, इनको समझ नहीं आया आगे जाए या नहीं, तो चली जाएंगी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टोल बूथ हमने बना दिया है, सो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी और वाटर दोनों चीज़ें चाहिए होगी, ये भी दिक्कत है भाई, हर जगह पे हमें पानी पहुँचाना है बिजली पहुँचानी है भाई, हमारी जिम्मेदारी बनती है यार। तो यहाँ पर पानी तो मैंने पहुँचा दिया है, बिजली का हमें काम करना पड़ेगा, यहाँ से कनेक्ट करवानी पड़ेगी यार बिजली को, तो बिजली हम यहाँ से इस तरह से कनेक्ट करवा देते हैं, एंड आई थिंक दैट्स इट। सो बिजली वैसे ज़्यादा तो नहीं यूज़ हो रही है, नहीं इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबिलिटी अच्छी है, सो अभी ना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टोल बूथ चल रहा है, काम कर रहा है, एंड टिकट प्राइस यहाँ पर $1 एंड $2 है, तो इंडस्ट्री की साइड पे है इसीलिए जो है यहाँ पर मैंने टिकट प्राइस रखी है अभी के लिए। ठीक है टिकट प्राइस चलेगी, यहाँ पर गाड़ियाँ निकलेंगी धीरे धीरे, एंड यहाँ पर ट्रैफिक कम जाम होगा, बस एक बार ना यहाँ पर ये वाला ट्रैफिक सही हो जाए। हाँ भाई इसको कहाँ जाना है, क्यों घूम के जा रहे हैं भाई। एक काम मैं और कर सकता हूँ, रेट थोड़ी सी कम कर सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, पैसे कम दो यार कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं है हमें। सो एक टोल बूथ ये बन गया है, एक टोल बूथ ना मेरे को इस साइड पे भी बनाना है भाई। नॉट इनफ वर्कर यार, लोग कम है यार यहाँ पे, बट चलो कोई नहीं धीरे धीरे आ जाएंगे। ठीक है अभी मेरे को क्या करना है, एक टोल बूथ लगाना है यहाँ पर,
एंड दूसरा इस साइड पे, सो वन वे टोल बूथ मेरे को यूज़ करना पड़ेगा। एंड टोल बूथ कहाँ गए भाई, ये रहे। सो टू वे हो गया, वन वे लास्ट टोल बूथ, नहीं लास्ट नहीं, हाँ वन वे टोल बूथ। सो इसको बनाने के लिए मेरे को रोड तोड़नी पड़ेगी यहाँ से यहाँ तक। तो ठीक है, पहले इसको तोड़ लेते हैं एक बार रोड को थोड़ी सी। एंड यहाँ पे नहीं यार, यहाँ पे मैं नहीं बना पाऊँगा, बाकी मैं यहाँ पे बना लेता। हाँ ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है यार, लोग यहाँ से भाग जाएंगे भाई, बिना टोल दिए ही भाग जाएंगे। बट भागेंगे कैसे यार, ये तो बाहर जाने का ही रास्ता है ना। ये अच्छा है यार, अंदर आने के लिए टोल रखते हैं, बाहर जाने के लिए हम टोल नहीं रखने वाले। सो देखते हैं, लेट्स सी, ट्राई करते हैं इस चीज़ को हम एक बार। सो यहाँ से इसको तोड़ते हैं, यहाँ से इसको तोड़ते हैं। आई थिंक हमारा काम बन जाना चाहिए, नहीं बनेगा काम, थोड़ा सा इसको और तोड़ना पड़ेगा। तो हट जा भाई एक सेकेंड, हाँ यहाँ से इसको और तोड़ देते हैं। एंड आई थिंक अभी हम बना सकते हैं अपना टोल बूथ। तो वेट यार, हाँ घुमाना पड़ेगा मेरे को इसको थोड़ा सा, आई थिंक अभी बन जाएगा ये, ठीक है। सो यहाँ पे हम लगा सकते हैं टोल बूथ को, एंड वन वे टोल बूथ हो गया ये, आई थिंक दैट्स इट, ठीक है। यहाँ से इसको वापस से रोड को कनेक्ट कर लेते हैं हम। यहाँ पे 4 लेन थी ना, या 6 लेन थी, हाईवे था शायद, आई डोंट नो क्या था, वेट हाईवे था ना, हाईवे कनेक्ट करवा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो ये हो गया हाईवे कनेक्ट। एंड इसको भी पानी की ज़रूरत है यार, पानी भाई जगह जगह पे मेरे को पाइप पहुँचाने पड़ रहे हैं। सो ये पूरा एरिया कवर हो जाएगा इससे, ठीक है। सो ये पूरा एरिया हो जाएगा, बिजली की तो मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं आने वाली है, हाँ बिजली तो पहुँच जाएगी। बस अब मेरे को ना इस साइड पे भी एक टोल बूथ बनाना है, ताकि ना जाते हुए भी लोग टैक्स दे के जाए यार, आते हुए ही दे रहे हैं यार टैक्स। टू वे भी बना सकते हैं हम वैसे लार्ज, बट ठीक है अब जो भी हमने बनाया। हाँ इसको तोड़ना है मेरे को, इसको भी तोड़ना है। एंड यहाँ पर जो है लोगों को गुस्सा आ रहा है, भाई गुस्सा मत करो यार, सबके लिए सुविधाएँ करेंगे यहाँ पर। सो अभी ना मेरे को इसको घुमाना पड़ेगा पहले तो, ठीक है। सो यहाँ पे हो जाएगा दूसरा वाला टोल बूथ। एंड अभी ना हम जो है यहाँ से सीधा जो है हाईवे को कनेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे, चलो। सो ये हो चुकी है रोड कनेक्ट। एंड यहाँ पर मेरे को डायरेक्ट नहीं कनेक्ट करवाना है, डायरेक्ट कनेक्ट करवाता हूँ तो भाई लोग भाग जाएंगे बिना टैक्स दिए। सो इसको ना मेरे को यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट करवाना है, वेट 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 वेट, ये 6 लेन है एंड ये जो है नॉर्मल लेन है। सो ये भी ना एक प्रॉब्लम वाली बात है, यहाँ से ना मेरे को कनेक्ट तो करनी पड़ेगी इसको। हाँ टोल पहले है, सो लोग यहाँ से भी तो भाग सकते हैं, हाँ ये भी तो दिक्कत वाली बात है। तो 6 लेन पे चलते हैं, वेट हाईवे नहीं, 6 लेन चाहिए मेरे को भाई, काफ़ी सोच समझ के हमें चीज़ें करनी पड़ रही है। सो ठीक है, अभी ना 6 लेन तो मैंने कनेक्ट कर दिया है यहाँ पर, यहाँ पे ठीक है, इससे हो गया ये वाला कनेक्ट। हाँ इससे ना इसको भी तो कनेक्ट करना पड़ेगा, तो इससे करते हैं हम, वेट 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 वेट, इससे करते हैं इसको कनेक्ट। एंड आई थिंक यहाँ से जो है गाड़ियाँ कनेक्ट हो जाएंगी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इस साइड से निकल सकते हैं लोग। एंड यहाँ से तो वैसे जाने वाले ही होंगे ना, कोई प्रॉब्लम वाली बात थोड़ी है, तो लोग यहाँ से क्यों जाएंगे अगर लोग यहाँ से जा सकते हैं तो। ये भी तो सोचने वाली बात है। सो मेरे को ना एक टोल बूथ यहाँ पे भी बनाना है, हाँ ये भी तो भारी वाली चीज़ है, ये देखो यहाँ से भाग गया यार ये। सो मेरे को ना टोल बूथ यहाँ पे बनाना चाहिए था, हाँ इसको तोड़ना है यार, नहीं तोड़ सकते इसको, हमने इसको रोड को बनाया भी तो नहीं है, तो इसको तोड़े कैसे हम, ये प्रॉब्लम वाली बात है। चलो कोई बात नहीं, अभी जो भी चल रहा है चलने देते हैं। ये वाला टोल बूथ वैसे मेरे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, यहाँ पे देखते हैं क्या चल रही है रेट। सो थोड़ा सा कम कर देते हैं इसको, टिकट रेट थोड़ा सा कम हो गया है, कार्ड चार्ज ये हो गया लो का, नहीं ये भी थोड़ा ज़्यादा है, तो इसको भी थोड़ा कम कर लेते हैं, आई थिंक अभी सही है। एंड गाड़ी है ना यहाँ से सीधी निकल रही है भाई, इस साइड से निकल रही है बिना टोल दिए। सो इसका ना मेरे को कुछ करना पड़ेगा, एक टोल मेरे को ना यहाँ पर डायरेक्ट बनाना पड़ेगा। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि यार इसको यहाँ से कनेक्ट करवाने की ज़रूरत थी क्या, हाँ ज़रूरत तो थी यार, वैसे मैंने लास्ट टाइम गलती की ना, इसको यहाँ से कनेक्ट नहीं करवाया। सो यहाँ पे एक मेरे को कनेक्टर तो चाहिए होगा, मीडियम रोड चाहिए यहाँ से, जो कि यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट कर सके। एंड ठीक है,
कनेक्ट होनी चाहिए ना, लोगों को स्टेडियम वगैरह में भी तो जाना पड़ेगा। सो चारों तरफ टोल गेट की जरूरत नहीं है, बस ये ना थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है मेरे को ना, इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा कि यहाँ से हम जो है किस तरह से हम जो है चीज़ों को व्यवस्थित तरीके से चला सकते हैं। हाँ बाकी सब सही चल रहा है, यहाँ पर आग लग गई है इस बिल्डिंग में, बट यहाँ पर मैंने फायर वाला बना तो रखा था। हाँ पहुँच जाएगी फायर, आई थिंक पहुँच जाएगी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हाँ जल्दी यहाँ पर जो है आग बुझा दी जाएगी। उसके अलावा यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है लोगों को, नहीं यार यहाँ पे आ जाएगा ना, अभी तो मरा है तो ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है। अभी ना पॉपुलेशन भी हमारी बढ़ी है, बट यहाँ पे ना कुछ दिक्कतें आ रही है कि लोग ना यहाँ पर जो है वर्कर थोड़े से कम है, तो इसका ना मेरे को सॉल्यूशन निकालना है। टोल गेट तो हमने बना लिया है, बट टोल गेट के साथ मेरे को अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। यहाँ से ये देखो लोग अंदर आ रहे हैं। हाईवे वैसे मैंने आने वाला बनाया है, जाने वाला बनाया है। सो अभी ना मैं एक काम करने वाला हूँ, मैं ना ये टोल गेट यहाँ से जो है हटाने वाला हूँ। हाँ थोड़े से पैसे तो लगे थे, बट नहीं इसको मैं हटाने वाला हूँ यहाँ से, क्योंकि मतलब नहीं यार, लोग अंदर आ रहे हैं सिटी के अंदर तो ठीक है भाई, अगर सिटी से जा रहे हैं तो भाई पैसे नहीं देने चाहिए उनको, एंड ऑब्वियस सी बात है। सो यहाँ पर एक काम करते हैं, फिर से ना हाईवे को हम जो है यहाँ पे इस तरह से जाने का रास्ता बना देते हैं, एंड ठीक है यहाँ से अब लोग सीधे चले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये हो गया जाने का रास्ता, ये हो गया आने का रास्ता, ठीक है। आई थिंक दैट्स गुड। एंड यहाँ पर मेरे को इसका कुछ करना पड़ेगा, लोग यहाँ से डायरेक्ट नहीं जा रहे हैं, एकदम घूम के जा रहे हैं। सो ये मे भी थोड़ी सी दिक्कत वाली बात हो सकती है, या फिर थोड़ा ट्रैफिक ज़्यादा लग जाएगा ना इस तरह से, तो यहाँ से भी जा सकते हैं लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये मेरे को देखना पड़ेगा यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, बट ठीक है। पॉपुलेशन हमारी अच्छी हो गई है, पैसे हमारे पास जो है अच्छे हो गए हैं, सिटी हमारी अच्छी वर्क कर रही है, बस मेरे को ना थोड़े से वर्कर और चाहिए, जिसके लिए ना मेरे को जो है एक ब्रांड न्यू सिटी बनानी पड़ेगी। यहाँ पर हमने जो है जितना हम कर सकते थे हमने कर लिया, पार्क्स वगैरह बना लिए, लैंड वैल्यू भी बढ़ा दिए ताकि ना ज़्यादा लोग आके रहें, एंड सब कुछ यहाँ पे जो है हम जितना कर सकते थे कर लिया हमने। ये आइलैंड पूरा जो है लोगों के घूमने के लिए रहेगा, एंड आसपास जो है रेजिडेंशियल जोन्स बनने वाले हैं, वो भी हाई डेंसिटी हाई मार्केट वाले, सो हाई वैल्यू वाले, बहुत यहाँ पर जो है पैसे लगने वाले लोगों को रहने के लिए। एंड यहाँ पर मैं एक बहुत प्यारी जो है प्लांट सिटी बनाने वाला हूँ, तो देखते हैं यहाँ पर हम क्या बना सकते हैं। मज़ा आएगा, इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है नेक्स्ट वाला। तो आज का वीडियो तो मैं करता हूँ यहीं पर एंड, आई होप कि आप लोगों को आज की जो है वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।